मार्केट में एंट्री की तैयारी कर रही है महिंद्रा XUV 300 EV। दोस्तों आपको सिंगल चार्ज में मिलेगा 456 किलोमीटर की रेंज। दोस्तों महिंद्रा XUV 300 EV के LED हेडलैम्प्स और DRL यूनिट में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, लेकिन नए ग्रिल डिजाइन के साथ फ्रंट फेसिया को अपडेट करने की उम्मीद है। दोस्तों केबिन में स्मार्टफोन के लिए वायरलेस चार्जिंग, रियर एसी वेंट के साथ डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल और एक पैनोरामिक सनरूफ शामिल होने की उम्मीद है। दोस्तों आने वाले महीनों में महिंद्रा XUV 300 EV के लॉन्च होने की उम्मीद की जा रही है और XUV 300 EV का मुकाबला टाटा नेक्सॉन EV जैसी कारों से होने की उम्मीद है और महिंद्रा ने अभी तक XUV 300 EV के बारे में कोई खास जानकारी नहीं दी है, लेकिन हाल ही में सोशल मीडिया पर टेस्ट म्यूल की कुछ तस्वीरें सामने आई है जो इसके डिजाइन और फीचर्स की झलक दिखाती है। दोस्तों बाहरी हिस्से में कुछ बदलाव किए जाने की उम्मीद है, हालांकि LED हेडलैम्प्स और डे टाइम रनिंग लाइट्स में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी ऐसी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इस गाड़ी में जबरदस्त डिजाइन मिलने की उम्मीद की जा रही है और स्पाई शॉट से पता चला है कि महिंद्रा XUV 300 EV के LED हेडलैम्प्स और DRL यूनिट में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। नए ग्रिल डिजाइन के साथ फ्रंट फेसिया को अपडेट करने की उम्मीद है। दोस्तों टेस्ट म्यूल पर चार्जिंग पोर्ट फ्रंट पैसेंजर साइड फेंटर के ऊपर स्थित है और लॉन्च के समय भी ऐसा ही रहने की उम्मीद है। दोस्तों इस कॉम्पैक्ट एसयूवी में नए बम्पर लगे होने की उम्मीद है और पीछे के हिस्से में सिग्नेचर एल साइज की कनेक्टेड LED को बरकरार रखा गया है। दोस्तों इंटीरियर के बारे में बात करें तो टेस्ट म्यूल के केबिन में ब्लैक और बेज रंग डुअल टोन थीम है और ये ICE पावर्ड कार में भी उपलब्ध है। दोस्तों स्पाइस शॉट्स में केबिन के चारों ओर कई स्थानों पर कॉपर इंसर्ट लगाए जाने की उम्मीद है, जबकि कुछ कलर ऑप्शन ICE संस्करण से EV में भी लिया जा सकता है। दोस्तों महिंद्रा द्वारा XUV 300 EV को कई EV एक्सक्लूसिव पेंट जॉब में पेश किए जाने की उम्मीद है। दोस्तों टेस्ट म्यूल पर देखे गए सफेद और कॉपर के डुअल टोन थीम दिया जा सकता है और इन बदलाव के अलावा इंटीरियर लेआउट काफी हद तक समान दिखता है और इसमें वेंटिलेशन के साथ लेदरेट सीट होने की उम्मीद है। दोस्तों स्पाइस शॉट से पता चला है कि महिंद्रा XUV 300 EV में 10.25 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले है जिसमें वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो का सपोर्ट मिलेगा। दोस्तों ड्राइवर को इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए 10.25 इंच डिजिटल डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है और केबिन में स्मार्टफोन के लिए वायरलेस चार्जिंग, रियर एसी वेंट के साथ डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल और एक पैनोरामिक सनरूफ शामिल होने की उम्मीद है। और सिक्योरिटी फीचर्स की बात करें तो XUV 300 EV में 6 एयरबैग्स, EBD के साथ ABS, ESC, ऑटो होल्ड के साथ EPV और 360 डिग्री सराउंड व्यू कैमरा होने की उम्मीद है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं हमारे न्यू वीडियो में।